continue your chapter number 9, that was natural disaster of class 5. In previous video मैं आपको अच्छे से explain किया था कि natural disaster क्या होते हैं और वो mainly 3 types के होते हैं, right? उसमें earthquakes, volcanoes और tsunami था, right? I have explained you कि हम slowly हर एक videos में पढ़ेंगे कि हर एक natural disaster आखिर क्यों होता है और उसके पीछे क्या reason, right? The first is volcanoes. What is volcano? आपने सुना भी होगा कि volcanoes erupt होते हैं, उसमें से magma बाहर आता है and it causes a lot of life damage. सुना हुआ है? तो अब हम देखते हैं volcanoes आखिर होते क्या हैं और वो क्यों erupt होते हैं, ठीक है? तो पहले definition देख लेते हैं. Openings in the earth's crust, as you know, volcano इस तरह का होता है, यहाँ पे एक opening होती है. Opening in the earth's crust through molten magma and gases comes out. Clear? जब इस तरह के volcano के अंदर से openings होती है mid में एक, उसमें से magma बाहर आ गया. That is known as volcanoes or volcanic eruption. Okay. अच्छा एक चीज और बताइए, आखिर ये magma होता क्या है? What is the magma? Magma is the molten rock inside the earth. Where it comes from? भाई ये molten rock earth के अंदर आती कहाँ से है? आपको एक बात पता है? हमारे earth के अंदर बहुत बड़े-बड़े rock particles हैं, rock के pieces हैं, बड़ी-बड़ी plates हैं. You know this thing? Example देती हूँ. जब हम digging करते हैं earth में, तो पहले तो soil आती है, फिर उसके नीचे छोटे-छोटे rock stones आते हैं. जब हम बहुत deep down digging करते हैं, तो उसमें बड़े-बड़े rocks आते हैं. और वो बड़े बड़े रॉक्स जब अंडर हाई प्रेशर बहुत टाइम तक अर्थ के अंदर, अब सोचो अर्थ के अंदर इतने टाइम तक वो रॉक्स हैं और अर्थ के अंदर बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है, इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है और इतना हाई प्रेशर है, सब चीजें अर्थ के ऊपर ही बन रही है, तो अंदर क्या जा रहा है? प्रेशर हो रहा है, राइट? प्रेशर हो गया और टेम्परेचर भी हाई हो गया, तो उससे क्या होगा? वो जो रॉक था वो मेल्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं मोल्टन रॉक. Yes, when it melts down, अब जो melt हो गया, इतनी heat है उसमें, इतना high temperature है कि उसको बाहर तो आना ही है, तो वो कैसे बाहर आएगा? With volcanoes, okay? तो magma वही होता है जो molten rock अभी volcano के अंदर है. अच्छा बात करते हैं lava की. Lava क्या होता है? जब magma earth के बाहर आ जाता है, on the earth surface, magma flows on the surface of earth. After volcanic eruption, क्योंकि जब magma कैसे बाहर आ रहा है, volcano में से आ रहा है ना, तो वो जो बाहर आ गया तो वो बन गया lava. जब volcano के अंदर था तो magma था, volcano के बाहर आया it becomes lava. Clear? अच्छा एक बात और बताइए, आपको आपने सोचा कि चलो magma और lava तो आ गए, but how it comes out? आपको पता है volcano की जो shape होती है, बीच में पतली सी pipe होती है, it likes a pipe. We call it वेंट, ठीक है? वेंट में से जो मैग्मा बाहर आता है और वो जो ओपनिंग होती है ऊपर की साइड पे, जो वोल्केनोस के ऊपर जो ओपनिंग है, इसको बोलते हैं क्रेटर. इसकी हेल्प से पूरा मैग्मा बाहर आता है और वो कन्वर्ट हो जाता है लावा में. क्लियर? अच्छा अभी तक हम लोगों ने जितना भी हमारे अर्थ पे वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं और जितने भी हम लोगों ने उस चीज को 3 चीजों में डिवाइड किया है, दैट इज एक्टिव वोल्केनोस, डोरमेंट वोल्केनोस एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोस. तो एक्टिव वोल्केनोस, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है भाई, एक्टिव वोल्केनोस कौन से होते हैं? इरप्ट रेगुलरली, वो वोल्केनोस जो रेगुलरली कहीं ना कहीं अर्थ में इरप्ट हो ही रहे, मतलब उनमें से मैग्मा कभी ना कभी बाहर आ ही रहा है और हो सकता है इन फ्यूचर इरप्ट हो जाए. मे इरप्ट इन एनी टाइम, कुछ नहीं बताएगा. ये बहुत रिस्की होते हैं, कभी या तो हमेशा इरप्ट हो रहे हैं या फिर इन फ्यूचर में कभी भी इरप्ट हो सकते हैं. तो आपको एग्जांपल देती हूँ मैं. यहाँ मैंने लिखा है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. एज द नेम सजेस्ट, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये कहाँ पर है? आपने पैसिफिक ओशन तो सुना है, पैसिफिक ओशन में जब पता है वहां पर उस ओशन के अंडरग्राउंड और उसके आसपास जो लैंड है वहां इतने सारे एक्टिव वोल्केनोज है कि वो हर टाइम इरप्ट होते रहते हैं. अब जाहिर सी बात है जब इतना ज्यादा गरम गरम मैग्मा और लावा अर्थ के बाहर आएगा तो वो सब हॉट हो जाएगा, इसलिए उसका नाम लिखा है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं डोरमेंट. डोरमेंट मींस अभी तक तो क्या था कि करंटली नॉट इरप्टिंग, अभी तक तो मतलब इरप्ट नहीं हुए थे वो वोल्केनोस, लेकिन बट मे इरप्ट इन फ्यूचर, वी नेवर नो.
कभी भी फ्यूचर में इरप्ट हो सकते हैं। अभी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ज्यादातर ये वोल्केनोस आपके आइसलैंड्स में और माउंटेन्स में ओशियंस के आसपास प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट, नाम ही क्लियर कर रहा है, एक्सटिंक्ट मतलब वो वोल्केनोस जो अब फ्यूचर में कभी एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, वो एक्सटिंक्ट इतने इरप्ट हो गए इतने कि अब वो उसके अंदर मैग्मा खत्म हो गया, अब वो फ्यूचर में कभी इरप्ट नहीं होंगे। तो वो वाले वोल्केनोस कहां प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन हवाई आइलैंड, एज आई टोल्ड यू कि आइलैंड्स पे और इन जगहों पर ही होती है। तो हवाई आइलैंड में वो वाले वोल्केनोस आपको मिल जाएंगे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और इन फ्यूचर कभी भी इरप्ट नहीं होंगे। क्लियर है? सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई होल टॉपिक। इसका एक अमेजिंग सा एक्सपेरिमेंट भी है, आई शेयर द वीडियो ऑन दिस चैनल जिसमें मैंने वोल्केनोस बनाए हैं और वो उनको इरप्ट कैसे करते हैं वो सारा प्रोसेस आई शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक। डू वन थिंग, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन द नोट्स, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आई कैन टीच यू द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज लाइक अर्थक्वेक्स और सुनामीज। Till then, take care.